आज हम बात करेंगे लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र टेक्निक की कि किस तरह से ये जीन ट्रांसफ़र में एक मीडिएटर की तरह जीन को ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ही एक एडवांस टेक्निक है। तो ये जो लिपोसोम्स हैं, इनकी जो डिस्कवरी है वो ब्रिटिश हेमाटोलॉजिस्ट ने की थी, बेंगहम ने, और उन्होंने बताया था कि कॉन्सेंट्रिक बाइलेट वेसिकल्स होते हैं जिसमें कि एक्वस कोर होता है जो कि एनक्लोज होता है मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर से, जो कि बना हुआ होता है नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक फॉस्फोलिपिड्स। इसका जो साइज़ का जो वेरिएशन है वो अप टू 3 माइक्रोन्स हो सकता है। तो दे आर स्फेयर्स ऑफ लिपिड्स जो कि हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर। तो अगर हम इसके डायग्राम देखें तो हम देख सकते हैं कि इसका फॉस्फोलिपिड लेयर है जो कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक से बना हुआ है, और इसमें बीच में हम इंजेक्ट कर सकते हैं हाइड्रोफोबिक ड्रग्स। और यहाँ पे इस तरह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डिस्कवरी रही है। कोलेस्ट्रॉल जो है एसेंशियल होता है अचीव करने के लिए सफिशिएंट स्टेबिलिटी इन लिपोसोम्स की, और एक बफर की तरह काम करता है। तो हाइड्रोफिलिक जो एंड हाइड्रोफोबिक या इंटरमीडिएट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं लिपोसोम के, वो क्या क्या इसमें ट्रेट्स लेके आते हैं। जो हाइड्रोफिलिक है वो रिटेन होता है एक्वस इंटीरियर में, बहुत डिफ़िकल्टी होती है हाइड्रग लोडिंग के लिए, ये बहुत स्लोली रिलीज होता है ओवर सेवरल डेज। हाइड्रोफोबिक जो होता है, जो लेयर होता है इंटीरियर में लिपोसोमल बायलेयर में, ये एक्सेलेंट रिटेंशन को एग्जिबिट करता है। इंटरमीडिएट जो लेयर होता है उसमें रैपिडली पार्टीशन होती है लिपिड बायलेयर और एक्वस फेस में, रैपिड रिलीज होती है लिपोसोम्स की फॉर पीएच मैनिपुलेशन और चेंज इन फॉर्मुलेशन ऑफ मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स विच कैन रिजल्ट इन गुड रिटेंशन। देन लिपोसोम जीन डिलीवरी सिस्टम्स, जो लिपोसोम्स होते हैं दे उनका हम एक्सप्लोरेशन करते हैं एज डिलीवरी सिस्टम्स फॉर डीएनए, जो कि 1979 में शुरू हो गया था। जो एनकैप्सुलेशन होता है प्लास्मिड डीएनए का लिपोसोम्स में, उसका इंट्रोडक्शन हुआ था पोलियो वायरसेस के लिए इनटू सेल्स। ये जो वेसिकल्स हैं उनको हम इजीली मर्ज कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से, और ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर्स के बने हुए हैं, और ये सराउंडेड बाय होते हैं मॉलिक्यूल जिनका कि हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है या प्रमोट करना है फ्यूजन विद द सेल मेम्ब्रेन। ये जो टेक्निक है जिसमें हम यूज़ करते हैं इंजेक्ट कराने के लिए जेनेटिक मटीरियल को सेल में वाया लिपोसोम्स, इसको हम कहते हैं लिपोफेक्शन या लिपोसोम ट्रांसफेक्शन या लिपोप्लेक्स। इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं लिपोफेक्शन, लिपोसोम ट्रांसफेक्शन या लिपोफ्लेक्स, कि जहाँ पे हम हमारा जो डिज़ायर्ड जेनेटिक मटीरियल है उसको किसी सेल में हम इंजेक्ट करते हैं। लिपोप्लेक्स क्या है? नॉन वायरल सिंथेटिक न्यूक्लिक एसिड कैरियर्स हैं जो कि यूटिलाइज करते हैं कैटायनिक फॉस्फेट लिपिड मिक्सचर्स को, जिनको हम कंडेंस करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड को। क्या प्रिंसिपल है इस जीन ट्रांसफ़र टेक्निक का थ्रू लिपोफेक्शन या लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र जिसे हम कहते हैं, कि इसमें हम यूज़ करते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड लिपिड, पॉजिटिवली चार्ज जो कैटायनिक, जैसे कि एक स्ट्रक्चर बनेगा विद अ नेगेटिवली चार्ज्ड जो आपका जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ पे फ्यूजन होता है लिपोसोम का न्यूक्लिक एसिड ट्रांसफेक्शन कॉम्प्लेक्स का विद अ नेगेटिवली चार्ज सेल मेम्ब्रेन। ये जो ट्रांसफेक्शन जो कॉम्प्लेक्स बना है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का, अभी एंटर करता है सेल में थ्रू एंड प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस व्हिच इज़ अ मोड ऑफ इंजेशन ऑफ द सेल। अब सेल के अंदर एंट्री के बाद में जो कॉम्प्लेक्स है उस पर एस्केप करना होता है एंडोसोमल पाथवेज, इट डिफ्यूजेस थ्रू द साइटोप्लाज्म और एंटर करता है न्यूक्लियस को, क्योंकि उसे अभी जीन का एक्सप्रेशन करना है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं विच आर ससेप्टेबल टू लिपोफेक्शन मैथड्स। इसके जो फीचर्स हैं अगर हम देखें तो लिपोसोम जो हैं उनका फॉर्मेशन सेल्फ असेंबली से होता है ऑफ डिजॉल्व लिपिड मॉलिक्यूल्स, जिनमें कि एक हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप होती है, हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं, और इनको हम एग्जिबिट करते हैं अलग अलग साइजेस में, और उनकी जो असेंबली होती है प्योर लिपिड्स के लिपिड मिक्सचर की सस्पेंडेड इन एन एक्वस मीडियम। जब कॉम्पैक्शन होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का लिपोसोम असेंबलीज में, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स हैव बीन नोन टू अपीयर। हर एक जो स्ट्रक्चर होता है जिसका कि फॉर्मेशन होता है एनर्जेटिकली फेवरेबल ट्रांसफॉर्मेशन में, वो बेस्ड होता है स्पेसिफिक लिपिड्स जो कि हम यूज़ कर रहे हैं इस फॉर्मेशन में।
एक डिपेंडेंट टर्म हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर पैकिंग पैरामीटर की, वो सजेस्ट करता है कि क्या शेप होगी एम्फीपैल की, जो कि डिपेंड करता है रेशियो ऑफ साइज वेरिएबल्स। पैकिंग पैरामीटर को हम पी इज इक्वल टू वी अपॉन ए एल सी कहते हैं, वे वी इज़ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन पोर्शन, ए इज़ इफेक्टिव एरिया एंड आई सी इज़ योर लेंथ ऑफ द लिपिड टेल। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस एक कोरिलेशन होती है एक रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स में कि कैसा पैकिंग पैरामीटर होगा और क्या उसका स्ट्रक्चर होगा। स्फेरिकल मिसल होगा तो क्या होगा उसका, पी शुड बी लेस देन 1/3। अगर इफ़ इट इज़ इक्वल टू 1 देन इट इज़ प्लैनर बाई लेयर, इफ़ इट इज़ मोर देन 1 इट इज़ अ इन्वर्टेड मिसली। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर का पैरामीटर है। एनकैप्सुलेशन जो जेनेटिक मटीरियल का होता है थ्रू कन्वेंशनल लिपोसोम्स, ये एक टर्मिनल प्रॉब्लम है ड्यू टू द प्लास्मिड साइज विच रिजल्ट्स इनटू पुअर ट्रांसफेक्शन। ऑल्टरनेटिव जो टेक्नोलॉजी है उसमें कैटायनिक लिपोसोम्स एंड पी कॉम्प्लेक्स को डेवलपमेंट हुआ 1980s में। अब ये तीन तरह के लिपोप्लेक्स होते हैं जिनको हम क्लासिफाई करते हैं जीन ट्रांसफर के लिए। तो लिपिड्स हैं कैटायनिक हो सकते हैं, न्यूट्रल और एनायनिक होते हैं। अब जो कैटायनिक होते हैं इनमें मोनोवेलेंट या मल्टीवेलेंट जो प्रॉपर्टी होती है। कैटायनिक लिपिड्स, कैटायनिक लिपिड्स जिनमें पॉजिटिव चार्ज है, जिनका एसोसिएशन होगा नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल से, वो एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा जिससे कि एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। कैटायनिक जो हेड ग्रुप हैं वो अपीयर होते हैं बेटर सूटेड फॉर डीएनए इंजेक्शन ऑफ डिलीवरी मटेरियल्स, और इसका जो आइडिया है वो न्यूट्रलाइज करने का होता है विद पॉजिटिवली चार्ज लिपिड्स टू कैप्चर प्लास्मिड्स मोर एफिशिएंटली। बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है कैटायनिक लिपिड्स का मिमिक करता है केमिकल और फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ बायोलॉजिकल लिपिड्स। लिपोग्लोप्लेक्स है जिसका फॉर्मेशन हुआ है कॉम्बिनेशन से कैटायनिक लिपिड्स से, न्यूट्रल लिपिड्स से, जेनेटिक मटीरियल से। कैटायनिक जो लिपिड्स हैं उनका केमिकली स्टेबल होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए बाय सेल। कैटायनिक लिपिड्स दो तरह के हो सकते हैं, मोनोवेलेंट कैटायनिक लिपिड्स, इसमें आता है TOTMA। इसको सबसे पहले सिंथेसाइज किया गया था फ्लेजनर एटेल ने। इसका स्ट्रक्चर दो अनसेचुरेटेड ओलियोल चेन्स की तरह है जिनका बॉन्डिंग होता है ईथर बॉन्ड से, जो कि 3 कार्बन स्केलेटन है ग्लिसरॉल का विद क्वार्टरनरी एमाइनस कैटायनिक हेड ग्रुप्स। ये लिपोसोमल सेंसिटिविटी को प्रदर्शित करता है अप टू 30%। इसका जो प्रोसीजर होता है रोटमा का, वो हम मिक्स करते हैं कैटायनिक लिपिड्स को न्यूट्रल लिपिड्स से और डीएनए को इंजेक्ट करते हैं। रिजल्ट में क्या होगा, फॉर्मेशन होगा एग्रीगेशन का जिनमें कंपोजिशन होगा डीएनए और कैटायनिक लिपिड्स का। डॉटमा आइदर अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर न्यूट्रल लिपिड्स स्पॉन्टेनियसली फॉर्म्स MLB, जिनको कि हम सोनिकेशन करते हैं टू फॉर्म SUV। डॉटमा इज अ लिपो इन्फेक्टिव TM विच कैन रिड्यूस साइटो टॉक्सिसिटी। फिर उसके बाद में आता है DOTAP, इसका सिंथेसिस जो हुआ था लेवेंटस और सिल्वियस ने किया था। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्वार्टरनरी एमाइन हेड ग्रुप का है कपल टू ग्लिसरॉल बैकबोन विद 2 ओलाइल चेन्स। लिपोसोमल सेंसिटिविटी इसमें भी लगभग 30% रहती है, बट ये कम्प्लीटली प्रोटोनेटेड होता है pH एट 7.4, ताकि मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द DNA फ्रॉम लिपोप्लेक्स फॉर सक्सेसफुल ट्रांसफेक्शन। इसका कहने का मतलब कि DOTAP इज मोर इफेक्टिव इन जीन डिलीवरी। उसके बाद में है DCCHOL, जिसका कि सिंथेसिस गेओ और हुआंग ने किया था। एक कोलेस्ट्रॉल मॉइटी है जिसका अटैचमेंट होता है टू एन ईस्टर बॉन्ड टू ए हाइड्रोसाइबल डाईमिथाइल इथिलीन डाइमीन। कोलेस्ट्रॉल को हम चूज़ करते हैं फॉर बायो कंपैटिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। अब हम बात करें मल्टीवेलेंट कैटायनिक लिपिड्स की, जिसमें आता है DOSPA विच इज सिमिलर टू डॉटमा, बट यहाँ पे स्पर्मामिन ग्रुप होता है विच इज़ बाउंड वाया पेप्टाइड बॉन्ड टू हाइड्रोफोबिक चेन। ये जो कैटायनिक जो लिपिड होता है इसको न्यूट्रल हेल्पर लिपिड एट 3:1 कहते हैं, विच इज़ कमर्शियली अवेलेबल अंडर द नेम ऑफ लिपोफैक्टमीन। तो इस तरह से अगर हम देखें, उसके बाद में एक और आता है जिसको हम DOGS कहते हैं। ये सिमिलर टू स्ट्रक्चर होता है डॉसमामिन की चाहे, और दोनों में ही मल्टीवेलेंट स्पर्मिन हेड होते हैं जिसमें कि 218 कार्बन एल्काइल चेन्स होते हैं। यहाँ पे जो चेन्स होती हैं वो सैचुरेटेड होती हैं, लिंक्ड होती हैं हेड ग्रुप से और थ्रू ए पेप्टाइड बॉन्ड, लेकिन ये क्वार्टरनरी जो एमाइन होती है वो उसमें नहीं होती है। इसका कमर्शियल नेम है ट्रांसफेक्टम। लिपिड को हम यूज़ करते हैं, दिस लिपिड डॉक्स इज यूज टू ट्रांसफेक्ट मैनी सेल लाइन्स, जिसका कि ट्रांसजीन एक्सप्रेशन लेवल 10-fold ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर ट्रांसफेक्शन मेथड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट मेथड।
बेयर एटल ने शो किया था कि इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन डिलीवरिंग द रिपोर्ट ऑफ प्लास्मिड। इस टेक्निक के बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं, जैसे कि इट्स वेरी सिंपल टू ऑपरेट, इट हैज़ अ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, इट इज़ शोइंग अ वेरी लो टॉक्सिसिटी लेवल, इट हैज़ प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम डिग्रेडेशन। सो व्हेन वी आर यूजिंग इन एन नटशेल, अगर हम देखें, अगर हम इस लिपिड सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं, जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, अगर हमारा कोई भी डिजायर्ड डीएनए है, इसमें हम इसको मिक्स करते हैं लिपिड को डीएनए से, तो फिर क्या होता है, डीएनए का इनकैप्सुलेशन हो जाता है लिपोसोम के अंदर, फिर ये जो लिपोसोम होता है वो एडहर करता है आपकी सेल में, और कहाँ एंटर करने की कोशिश करेगा, न्यूक्लियस में। तो लिपोसोम बायलेयर फ्यूजेस विद अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डीएनए इज एंटरिंग द सेल, देन अल्टीमेटली डीएनए कहाँ एंटर करेगा, न्यूक्लियस में। और इस तरह से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जब डीएनए एंटर करेगा न्यूक्लियस में, तो आपके जो फॉरेन जीन जो हम ऐड करते हैं सेल में, इट इज़ शोइंग अ एक्सप्रेशन। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल, वेरी स्टेबल, शोइंग वेरी लेस टॉक्सिसिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ योर डिजायर्ड जीन और ट्रांस जीन एट अ वेरी हाई लेवल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली।